मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं माँ विषय के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं लक्ष्मी मिस। पिछली क्लास में की हिंदी में मैंने आप लोगों को कबीर की साखियाँ पढ़ाई थी। आज मैं आप लोगों को कबीर की साखियों के पाठ 9 के दूसरे भाग शबद में आती हूँ। शबद की तर ईश्वर की भक्ति, पहला इसमें दो शब्द है। पहला शब्द आपका इस प्रकार है, इसमें ईश्वर की वंदना करने वालों को, ईश्वर को ढूंढने वालों को संबोधित करते हुए कबीर कह रहे हैं। मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थानों पर ढूंढता फिरता है, उसी को संबोधित करते हुए कबीर कह रहे हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, हे ईश्वर के भक्तों तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। हिंदू से मंदिर में ढूंढते हैं, मैं तो मंदिर में भी नहीं हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो मैं मस्जिद में हूँ और ना ही मैं काबा, जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, मैं तो वहाँ भी नहीं हूँ। और ना मैं कैलाश पर्वत, शिव भगवान शिव का घर, शिव का सर्वोच्च स्थान, हिंदुओं का सर्वोच्च तीर्थ स्थान, मैं तो वहाँ भी नहीं हूँ। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग्य में, मैं तो किसी प्रकार के क्रियाकर्म व्रत उपवास रोजा नमाज मैं तो उसमें भी नहीं हूँ। ना ही योग वैराग्य में, ना तो योग लेकर के संन्यास लेकर के जो भगवान को ढूंढने के निकल जाता है, तो उसमें भी नहीं हूँ। खोजी हुई तो तुरंत ही मिले पल भर की तलाश में, अगर जो सच्चे हृदय से मुझे ढूंढना चाहता है तो मैं तो तुरंत ही मिल जाता हूँ। खोजी हुई तो तुरंत ही मिले पल भर की तलाश में, अगर तलाश करने वाले में ईश्वर की सच्ची भक्ति है, सच्ची लगन है, तो उसे इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो पल भर में ही मिल जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीर कभी अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तो सभी जीवित प्राणियों के श्वासों के रूप में विद्यमान हूँ, अगर मुझे ढूंढना है तो प्रत्येक जीवित प्राणी में, सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक रचना में मुझे पहचान लो, मुझे ढूंढ लो, मैं जीवों में ही व्याप्त हूँ। मुझे ढूंढने के लिए व्यर्थ के ढोंग रचाने की आवश्यकता नहीं है। इन पंक्ति इस शब्द में कबीर ने लोगों को, भक्तों को, जो ईश्वर की ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार की क्रिया का कार्यक्रम करते हैं, उन लोगों को इससे बचने की सलाह दी है। और संसार के सभी जीव जंतुओं, जीवित प्राणियों, जिसमें भी प्राण है, उनसे प्रेम करने की, उनमें ईश्वर को ढूंढने की सलाह दी है। बच्चों, ये शब्द आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। और शब्दार्थ में इसके अर्थ को देख करके समझिएगा। बाकी दूसरे शब्द को मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।